करने के मामले देखिए, मैंने स्पष्ट कहा ये हमसे काफी बौद्धिक लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम लोग युवा हैं, समर्थन कर रहे हैं, युवा समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक नैतिक समर्थन की बात कर सकते हैं, उस समुदाय से हम संबंध रखते हैं, लेकिन आप अगर कुर्मी आंदोलन की बात करें या फिर खतियान भाषा नियोजन की बात करें तो यह भिन्न आंदोलन है। कुर्मी का जो आंदोलन है उस समुदाय के संरक्षण का मामला है जो आज लगभग 70 सालों से लड़ा जा रहा है, और हम लोग जो एक नया आंदोलन लेकर आए हैं ये युवाओं का विशेषकर है, पूरे राज्य का आंदोलन है। तो फिलहाल हम लोग का जो ध्यान केंद्रित है इस युवाओं के आंदोलन पर केंद्रित है जो पूरे राज्य का है। बाकी जो कुर्मी का आंदोलन चल रहा है, आज जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पूर्व से ये आंदोलन चल रहा है। उस विधेयक को राजभवन से ही लौटा दिया, उन्होंने क्या तर्क दिया था और मैंने आपका 1970 की है, 1970 का रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 422 संख्या का रिपोर्ट को आधार मानते हुए उन्होंने तर्क दिया था कि ये आप न्यायालय के ठीक विपरीत है। मामला कब का है? 1970 का। 1970 की बात राजपाल महोदय कर रहे हैं, पेपर कटिंग में आप पढ़े होंगे कि 1970 को आधार मानते हुए इस विधेयक को उन्होंने वापस किया है। हम यही संदेश देना चाहेंगे, माननीय राज्यपाल को अपटूडेट रहना चाहिए था, वे अपटूडेट नहीं है। अगर अप टू डेट होते हैं तो उनको ध्यान होना चाहिए कि 2002 में भी चंडीगढ़ का न्यायालय ने आदेश दिया है, आपका 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। क्या करेंगे आप लोग? आप देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन ही एक उपाय है। छात्र को हम लोग गोलबंद कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया छात्र का आंदोलन है तो छात्रों को में क्या इसकी राय शुमारी है? अगर छात्र 60-40 में खुश हैं, अपनी दुर्गति में खुश हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन मेरा मानना है जो झारखंडी छात्र हैं वो 60-40 तो क्या 70-30 में भी खुश नहीं रहेंगे, सीधा 90-10 होना चाहिए। 10% अन्य राज्यों के लिए ओपन क्वार्टर है, उसमें आपको आना है, स्वागत है, उसके लिए हम लोग 100% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 60-40 नहीं चले। स्पष्ट है, एक व्यक्ति एक ही राज्य में स्थानीयता का लाभ ले सकता है, और ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर काम के सिलसिले में, रोजगार व्यापार के सिलसिले में किसी अन्य राज्य में जाकर स्थापित हुआ है लेकिन उसका संबंध अपने राज्य में है, तो फिर उस राज्य में रहकर भी उस राज्य के किसी प्रकार के नियोजन में वहां के आरक्षण का अथवा उस राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र के साथ किसी प्रकार का लाभ नहीं ले सकता है। कहना है आपका यही कि सरकार, राज्य सरकार की शक्तियों का इन्होंने अध्ययन किया है कि नहीं? राज्य सूची है, अनुसूची 7, उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में 41 नंबर का जो है उसमें स्पष्ट जिक्र है कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के नियोजन में राज्य के अभ्यर्थियों को मैक्सिमम प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन ये क्या कर रही है, हर विषय को केंद्र के पाले में डाल दे रही है। को लेकर जो है बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब तक आखिर युवाओं की नियुक्ति होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी जयराम महतो जो है आज प्रेस वार्ता किया है और क्या कुछ कहा है नियोजन को लेकर। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम ने 60-40 की बात नहीं होने की बात कही है। क्या कुछ नियम कानून बनाए जा रहे हैं सरकार की ओर से? पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ऑडियो कॉल सर्वे कराया गया जिसमें कि लाखों अभ्यर्थियों से राय ली गई कि क्या 2016 वाली जो है नियोजन नीति लाया जाए, और तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से सरकार को जयराम महतो ने घेरा है, क्या कुछ सवालात किए हैं। वही दूसरी तरफ जो एक बड़ी मांग चल रही है कि कुर्मियों को जो है एसटी में शामिल किया जाए, उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, और तमाम चीज़ों को लेकर नियोजन नीति और नियुक्तियों को लेकर जो युवाओं के साल बर्बाद हो रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ कहा है जयराम महतो ने, या कुछ देखिए। देखिए, इस राज्य का एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते अगर राज्य जल रहा हो, राज्य में अगर गलत नीतियां सरकार लेकर आने की संभावना बनती है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का सदुपयोग करते हुए एक संदेश देना कहीं ना कहीं हम लोग का कर्तव्य बनता है, और उसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आज राजधानी आए हुए हैं। तो मैं फिलहाल जो एक संदेश चल रहा है, जो वर्तमान सरकार फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों से अपील कर रही है कि 60-40 की नीति कैसी रहेगी, तो जो 2016 में थी यानी 60 झारखंडियों के लिए और 40 ओपन टू ऑल, तो कहीं ना कहीं अगर ये नीति अगर राज्य सरकार को बनानी ही थी तो वही सरकार रहती जो सरकार इस नीति को बनाई थी 2016 में। उस सरकार को इसीलिए हटाया गया क्योंकि 60 और 40 की नीति राज्य के हित में नहीं थी। राज्य के हित में इसलिए नहीं थी क्योंकि किसी भी राज्य में जो राज्य की नौकरियाँ हैं, वैकेंसियाँ हैं, उसमें 40% का रिजर्वेशन या फिर 40% ओपन अदर स्टेट के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं किया जाता है। उसके लिए आज हम लोग बहुत मेहनत के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे, और हम लोग चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स को, हालांकि दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। ये आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी निदेशक पटना का है जिसमें जमुई का है। इसमें क्या था कि कोल्हान के साथी का वहाँ शिक्षा विभाग में नौकरी लगा था, उन्होंने किस प्रकार उन्हें निरस्त किया कि इनका स्थानीयता झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल से संबंध रखता है, अर्थात इनकी स्थानीयता के आधार पर इनकी नौकरी को निरस्त किया जाता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार राज्य का नियोजन नीति क्या है, कॉलम क्या है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। आप देख सकते हैं ये शिक्षा विभाग का लेटर है बिहार का, ओनली फॉर बिहार कैंडिडेट्स। ये आपका शायद है
ये हाँ ये है आपका कि अगर जिस प्रकार हमारे झारखंड में लोग गलत तरीके से जाति आवासीय बना लेते हैं, तो यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी सभी वीडियो को सीधा लेटर जारी किए हैं कि अगर कोई गलत तरीके से जाति आवासीय बनाता है तो फौरन इस पर अमल किया जाए, किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना हो कि अन्य राज्य के लोग यहाँ जाति आवासीय बना सके। ये लेटर है, सरकारी लेटर है। अब बात आती है कि बिहार सरकार किस प्रकार अपने लोगों को ये प्रमाणित करता है कि बिहार राज्य का निवासी है। उसमें चार कॉलम है, खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, भूमियों का आवंटित, जमीन से संबंधित अभिलेख। झारखंड में आप एक कॉलम जोड़ सकते हैं, संस्कृति और भाषा को लेकर आप स्थानीयता को परिभाषित कर सकते हैं। जब तक स्थानीयता को परिभाषित नहीं करते हैं तो हमेशा नियोजन पर सवाल होते रहेंगे। ये आपका छत्तीसगढ़, लोग हमेशा सवाल करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के साथ अलग हुए हैं, तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ने भी एक लाइन में स्पष्ट लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी। ये कॉलम है आपका मध्य प्रदेश का, जो हमारा और एक राज्य है, बड़ा राज्य है। यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो। कुल मिलाकर क्या है? कुल मिलाकर हमारी मांगे यही है कि झारखंड में कॉलम कब बनेगा कि झारखंड का निवासी हो। अब थोड़ा दिखाई देते हैं झारखंड के लेटर को। आपने देखा बिहार की वैकेंसी में लिखा था कि बिहार राज्य का निवासी हो, छत्तीसगढ़ की वैकेंसियों में लिखा था छत्तीसगढ़ का निवासी हो, उड़ीसा का तो अभी पढ़े ही नहीं है तो बड़ा मजा आएगा। उड़ीसा में तो इतना बैरियर है कि कोई वहाँ घुस ही नहीं सकता है। लेकिन ये है झारखंड, ये झारखंड के आचार्य की बहाली है। यहाँ कहीं कॉलम दिखा है कि झारखंड का निवासी हो?